इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बीच बड़ी खबर, पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ी जानकारियां सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर पर ब्लंट ऑब्जेक्ट के वार के कारण सागर की मौत हुई है। सागर के शरीर पर, सिर पर, घुटने पर चोट के निशान पाए गए हैं और ये जख्म 1 से 4 सेंटीमीटर तक गहरे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सागर की छाती और पीठ पर 5x2 सेंटीमीटर के निशान दिखाई दे रहे हैं और 15x4 सेंटीमीटर के जख्म मिले हैं। अब इन जख्मों से ही आप अंदाजा लगाएं कि बहुत बेदर्दी से उसे मारा गया है। और सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या डिटेल्स हैं ये आपको बताते हैं। सिर पर ब्लंट यानी जो कोई एक धारदार ऑब्जेक्ट नहीं था, ऐसे ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। सिर से घुटने तक चोट के निशान हैं, इनमें छाती और पीठ पर 5x2 सेंटीमीटर के निशान हैं, तो वहीं 15x4 सेंटीमीटर के जख्म भी दिखाई देते हैं। शरीर पर 1 से 4 सेंटीमीटर तक के गहरे जख्म हैं और ये जख्म इतने गहरे हैं कि चोट हड्डियों तक पहुंच गई है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं तो वहीं कई जगह नील पड़ी हुई है शरीर में। 5 मई को सुबह 7 बजे इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। छत्रसाल स्टेडियम से ही हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, पहले तो आप ये जानकारी दें कि जो क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को लेकर यहाँ पर पहुंची थी, इस दौरान पूरा क्राइम सीन किस तरह रिक्रिएट किया गया, क्या क्या जानकारी यहाँ से क्राइम ब्रांच जुटा कर गई है? देखिए मीनाक्षी, 6 बजे के करीब क्राइम ब्रांच की टीम पूरी सुरक्षा के बीच में, कड़ी सुरक्षा के बीच में पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची थी और उससे ये जानने की कोशिश की कि जब सागर धनखड़ को किडनैप करके यहाँ लाया गया था तो किस रास्ते से लाया गया, कौन सा रूट का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद कहाँ पर गाड़ी रुकी, सुशील पहलवान के साथ उस वक्त कौन कौन लोग थे और क्या उनका किसी गैंग से ताल्लुक है, जिस तरीके से कई गैंग्स का नाम इसमें शामिल सामने आ रहा है, तो उस गैंग के बारे में जानने की कोशिश की। इसके बाद ये भी उससे पूछा गया कि आखिर कौन किन किन लोगों ने सागर धनखड़ को पीटा था। तो उस वक्त सुशील के माथे पर पसीना था, सुशील घबराया हुआ था, लेकिन सुशील ने बीच में बात टालने की कोशिश की तो सुशील को उसका वीडियो तक दिखाया गया जिसमें सुशील पहलवान सागर धनखड़ को मारते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद सुशील पहलवान चुप हो गया। ये तमाम पूरा जो स्पॉट पर सीन को रिक्रिएट किया गया, इसमें तकरीबन 45 से 50 मिनट तक क्राइम ब्रांच की टीम छत्रसाल स्टेडियम रुकी। उसके बाद 10:30 बजे एक बार फिर 7 सदस्यों की टीम क्राइम ब्रांच की यहां पर पहुंची थी छत्रसाल स्टेडियम में। तकरीबन 1.5 घंटे तक तमाम सबूत जुटाती रही, सीसीटीवी फुटेज भी और तलाशने की कोशिश की कि क्या कोई नया सबूत मिल सकता है। उसके बाद सीधा यहां से एम ब्लॉक का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आ चुकी है। कुमार सोनू, इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल अगर आप दर्शकों को देना चाहें। बिल्कुल, सागर धनखड़ के फ्लैट पर आज गई क्राइम ब्रांच की टीम, जहां पर सागर धनखड़ को सुशील अपने साथ लेकर आया था, तो वहां से फिंगरप्रिंट लिए, पूरी फ्लैट की फोटोग्राफी हुई है। 4th फ्लोर पर सागर धनखड़ अपने एक साथी के साथ किराए पर रहता था, तो उस पूरे फ्लैट से फिंगरप्रिंट लिए गए, फोटोग्राफी की गई, तमाम सबूत इकट्ठे किए गए। उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में है, जो कि यहां का लोकल पुलिस स्टेशन है, जहां पर 3 गाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जो सबूत उसके घर से इकट्ठे किए वो भी मिल चुके हैं और क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जा चुका है। सुशील कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार सोनू आपका। फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए क्या नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।